नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा। और सबसे पहले रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल जारी है। नामांकन के चौथे दिन 203 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। 70 सीटों पर 246 अभ्यर्थियों ने भरे हैं 367 नामांकन पत्र। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग में दूसरे चरण का चुनाव होगा। 30 अक्टूबर तक भर सकेंगे नामांकन। 31 अक्टूबर को होगी जांच। 2 अक्टूबर तक वापस ले सकते हैं नाम। 17 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल जारी है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नामांकन के चौथे दिन 203 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। 70 सीटों में 246 अभ्यर्थियों ने 367 नामांकन किए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, रायपुर से दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल लगातार जारी है। नामांकन के चौथे दिन 203 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। 70 सीटों में 246 अभ्यर्थियों ने 367 नामांकन पत्र भरे। दूसरे चरण को लेकर प्रत्याशियों के बीच उत्साह नजर आ रहा है। सभी काफी संख्या में अभी तक नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच चुके हैं। दूसरे चरण के लिए 203 नामांकन पत्र अभी तक दाखिल हुए हैं। चौथे दिन और 70 सीटों में 246 अभ्यर्थियों ने 367 नामांकन पत्र भर दिए हैं अब तक। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वाति कौशिक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला लगातार जारी है, चौथा दिन हो चुका है, क्या अपडेट इससे जुड़े आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल, पूरे प्रदेश में 70 विधानसभा के लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। जितने हाई प्रोफाइल सीट्स की हम बात करें, तो जहां एक तरफ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं अगर दुर्ग संभाग की बात करें तो वहां पर कुछ क्षेत्रों में, जैसे हाई प्रोफाइल अगर सीट्स की हम बात करें, तो पाटन जो है दुर्ग के जितने विधानसभा क्षेत्र हैं दुर्ग संभाग के, वो अभी कहीं ना कहीं नामांकन से थोड़ा दूर है। वहां पर अभी नामांकन की प्रक्रिया नहीं हुई है। पर अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो पहले चरण के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पहले ही संपन्न हो चुकी है। दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है। हर राजनीतिक पार्टी जो है इन हाई प्रोफाइल सीटों पर फोकस किए हुए अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन की पूरी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहा है। जी स्वाति, ये तो रही बात नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर के। जाहिर है चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, अंदर खानों से ये भी खबरें निकल कर के सामने आती रही हैं, जैसे जैसे समय और नजदीक आएगा, कि नाम वापसी को लेकर के भी कुछ नामों पर चर्चा चल रही होगी अंदर खानों में, तो इससे जुड़ी कुछ बाहर निकल करके जानकारी आ रही है स्वाति? जी देखिए, नाम वापसी की तारीख में अभी बुशरा थोड़ा सा समय है, लेकिन बिल्कुल इन चीजों को कहा जा सकता है कि कुछ जो सिटिंग एमएलएस की बात कर ले, किसी भी पार्टी के, उनके नामांकन पत्र लेने की भी बात आ रही है और उनके नामांकन वापसी की भी बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है। हालांकि नामांकन वापस लेने की तारीख जो है वो अभी थोड़ी दूर है, तो इसमें अभी स्पष्ट चीजें निकल कर नहीं आ रही, क्योंकि नामांकन पत्र खरीदने की प्रक्रिया जो है वो अभी चल रही है। लेकिन यहाँ पर वही देखा जा रहा है कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, जो प्रत्याशी जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, वो कुछ निर्दलीय लड़ने के भी मूड में है। जैसे अभी फिलहाल अगर हम रायपुर की बात करें, तो रायपुर में कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद सातों विधानसभा, रायपुर जिले के सातों विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ जाकर उनके नामांकन पत्र भरवाए हैं, लेकिन वहीं पर कुछ असंतुष्ट लोग यहां पर भी दिख रहे हैं। तो यही हालात बुशरा अमूमन प्रदेश के बाकी संभागों में भी देखे जा रहे हैं, बाकी जिलों में भी देखे जा रहे हैं कि कुछ नाम जो है, कुछ लोग जो है वो निर्दलीय फॉर्म भरने की तरफ भी तैयारी कर रहे हैं। जी जी, और कुछ हाई प्रोफाइल सीट्स को लेकर के अगर बात की जाए, तो नामांकन दाखिल करते समय एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश के मद्देनजर बड़े चेहरे भी उनके साथ में जाते हैं, तो ऐसे कुछ हाईलाइट सीटों को लेकर के अगर हम बात करें, तो क्या इससे जुड़ी आपके पास जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए हाईलाइटेड सीट्स की अगर हम बात करें, तो प्रदेश में लगातार प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश के बाकी जो तमाम मंत्री हैं वो
खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित जो बीजेपी के जो तमाम केंद्रीय नेतृत्व है जो इस वक्त रायपुर राजधानी से लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में है, ये सभी अपने अपने प्रत्याशियों के साथ जा रहे हैं और नामांकन दाखिल करवा रहे हैं। बुशरा, अगर आज की हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो प्रदेश के प्रभारी भी हैं, सह प्रभारी हैं, मनसुख मांडविया, वो आज लगभग 11 बजे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साव सांसद हैं उनके साथ जाकर लोरमी विधानसभा में रैली करेंगे और उसके बाद उनके नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। तो और उसी तरीके से अगर हम बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जो है वो लगातार अपने पहले बस्तर संभाग पर उनका उनका पूरा होल्ड था कि सभी नामांकनों पर वो पहुंच पाए और उसके बाद अब जिस तरीके से चीजें निकल कर आ रही है, कल भी वो कोरबा के दौरे पर थी, उन्होंने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के साथ नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया, उन्होंने चरणदास महंत जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं उनके साथ नामांकन प्रक्रिया में भाग लिया। तो वहीं हाई प्रोफाइल सीट कोरबा की अगर हम बात करें तो जयसिंह अग्रवाल राजस्व मंत्री हैं, उनकी सीट पर जब नामांकन हुआ तो खूब शक्ति प्रदर्शन जो है वो देखा गया। तो तमाम तरह की चीजें जो है बुशरा इस वक्त प्रदेश से निकल कर आ रही है और सिर्फ एक पार्टी की हम बात क्यों करें, अगर हम दूसरी पार्टियों की भी बात करें तो लगातार दौरे इस वक्त प्रदेश में चल रहे हैं। लगभग आधा दर्जन से अधिक जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो बीजेपी के रायपुर पहुंचे हुए हैं, कुछ के उनमें से दो दो दिनों के दौरे हैं, जो नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। उसके साथ ही आम आदमी पार्टी की भी अगर हम बात करें तो अच्छा खासा थर्ड फ्रंट खुद को घोषित करने की कोशिश में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। उनके भी पंजाब के मुख्यमंत्री जो है वो दो दिवसीय दौरे पर प्रदेश आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर रैलियों में और सभाओं में शामिल होंगे। तो तमाम तरह की चीजें जो है वो निकल कर आ रही है और नामांकन प्रक्रिया के दौरान लोगों को अच्छा खासा जन समर्थन दिखाने की कोशिश जो है वो सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। चलिए स्वाति, बने रही आप हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास।